गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम सूक्ष्म जीवों के लाभदायक गुणों का वर्णन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने सूक्ष्म जीवों की परिभाषा और उनमें पाए जाने वाले लक्षणों का अध्ययन किया था। क्या होते हैं सूक्ष्म जीव? वे जीव जो हमें सामान्य या नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं तो उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को जिस यंत्र की सहायता से देखा जाता है उसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। ये तो हमने सूक्ष्म जीवों की परिभाषा को जाना था। अब उसके बारे में कुछ लक्षण भी हमने पढ़े थे। कौन कौन से लक्षण? नंबर 1, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात सभी स्थानों, नदी, नालों, तालाब, झरनों, मृदा, वायु, भोजन, सभी जगहों पर वो पाए जाते हैं। नंबर 2, सूक्ष्म जीवों की संरचना एक कोशिकीय होती है, अर्थात उनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, इसी कारण वो हमें नज़र नहीं आते हैं। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक पढ़ा था वो था सूक्ष्म जीव कुछ लाभदायक एवं कुछ हानिकारक होते हैं। तो तीसरा जो टॉपिक था सूक्ष्म जीवों के लाभदायक एवं हानिकारक होने के कारण उनका विवेचन आज हम इस अपनी वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो होगा सूक्ष्म जीवों का महत्व। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम? लाभदायक सूक्ष्म जीवों का महत्व निम्न क्षेत्रों में होता है। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों का महत्व बहुत अधिक होता है, जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के उत्पादों या सामग्रियों का निर्माण कर सकते हैं? तो चलो आज हम अपने इस टॉपिक में पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों का महत्व। लाभदायक सूक्ष्म जीवों का महत्व निम्न क्षेत्रों में होता है। नंबर 1, दही एवं ब्रेड निर्माण में। तो किस प्रकार से दही एवं किस प्रकार से ब्रेड निर्माण में सूक्ष्म जीव अपना योगदान देते हैं, चलो हम देखते हैं। हमने माता जी को रात्रि के समय दूध में जामन देते हुए देखा होगा। वो दूध कुछ घंटों, 6 से 8 घंटे के पश्चात दही में ऑटोमेटिक या स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। दुग्ध से दही में परिवर्तित होने की क्रिया में क्या वास्तव में सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है? क्या दही में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? चलो उस जीव के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे ही रात्रि के समय माताजी ने दूध में जामन को दिया, उस जामन में एक सूक्ष्म जीव जीवाणु पाया जाता है जो विभिन्न क्रियाओं द्वारा दुग्ध को दही में बदलने का कार्य करता है। उस जीवाणु की सहायता से ही दूध सुबह दही में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए जानते हैं उस जीवाणु के बारे में जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। पहला टॉपिक, दुग्ध एवं दही निर्माण में। दुग्ध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का योगदान होता है। बिल्कुल, जब माता जी ने दुग्ध में जो जामन मिलाया था उस जामन में एक सूक्ष्म जीव उपस्थित था। उस सूक्ष्म जीव का नाम था लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये जीवाणु ही दुग्ध को दही में बदलने का कार्य करता है। 6 से 8 घंटे के पश्चात दुग्ध स्वतः ही दही में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि दुग्ध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थित होता है जो अपनी क्रिया के द्वारा उसे दही में परिवर्तित कर देता है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, और क्या महत्व होता है सूक्ष्म जीवों का? विभिन्न प्रकार के जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं विभिन्न प्रकार के पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। अभी हमने पढ़ा था लाभदायक जीवाणु में पहला दुग्ध को दही में बदलना। दुग्ध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। ये तो हमारा दही का निर्माण हो गया। अब उसके बाद और भी कुछ कार्य करते हैं क्या सूक्ष्म जीव? बिल्कुल, जीवाणु विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ को सुरक्षित एवं निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे बात करें तो ईस्ट, ये भी एक सूक्ष्म जीव है।
चावल के आटे को किण्वित, किण्वित का मतलब होता है उसे सड़ाना, गलाना, चावल के आटे को किण्वित गुदगुदा कर देती है, जिससे हम आसानी से इडली खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। तो ये हमने आज जाना सूक्ष्म जीवों का भोज्य पदार्थ निर्माण में किस प्रकार से योगदान होता है। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, दही एवं ब्रेड निर्माण में योगदान। नंबर एक, दुग्ध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। नंबर दो, जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के निर्माण में सहायक होते हैं। नंबर तीन, ईस्ट, ये भी एक जीवाणु, एक प्रकार की कोशिकाएं, सूक्ष्म जीव हैं। ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, चावल के आटे को गुदगुदा सड़ाने का कार्य करते हैं, जिससे हम आसानी से इडली एवं डोसे का निर्माण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ईस्ट की सहायता से हम विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे ब्रेड, छोले, ब्रेड, भटूरे आदि का निर्माण भी कर सकते हैं। अभी किण्वन क्रिया क्या होती है इसको जरा हम समझ लेते हैं। हमारे पास चावल का आटा है, चावल के आटा या फिर हमारे पास मैदा है, हमें किसका निर्माण करना है, हमें भटूरे या इडली डोसे का निर्माण करना है। तो हमारे पास जो ईस्ट होता है उसको हम आटे या सूजी या मैदा के पाउडर, मैदा में मिला देते हैं। मिलाने के कुछ घंटों पश्चात उनमें, आटे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित होती है जो हमारे आटे को गुदगुदा बनाने का कार्य करती है। जब आटा हमारा गुदगुदा लसीला बन जाता है तो हम उसे विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे ब्रेड, भटूरे, इडली, डोसा आदि का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो ये योगदान तो था भोजन निर्माण में, जिसमें दही एवं ब्रेड का निर्माण हमने सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया। अब अगला जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग, कि सूक्ष्म जीव वाणिज्यिक क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र में किस प्रकार से सहायक होते हैं। बच्चों, हमने विभिन्न प्रकार की शराब, विस्की, रम, ब्रांडी, अल्कोहल आदि को देखा होगा, उनके निर्माण में क्या सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। तो चलो इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर दो, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग, वाणिज्य उपयोग में हम क्या लिखेंगे। नंबर एक, किण्वन क्रिया द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की सहायता से विभिन्न प्रकार की शराब, रम, बियर विस्की अल्कोहल आदि का निर्माण किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं भाई, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है, वाणिज्यिक क्षेत्र में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। तो बात कर रहे हैं किण्वन, किण्वन का मतलब होता है सड़ाना गलाना। हम विभिन्न प्रकार के फलों के रसों, चावल, जौ, बाजरे आदि के दानों को सड़ाकर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। उन कार्बनिक पदार्थों में अल्कोहल भी उपस्थित होता है, उस अल्कोहल की सहायता से विभिन्न प्रकार की शराब,
जैसे रम, बियर, विस्की आदि बना सकते हैं। अब किण्वन क्रिया करेगा कौन? किण्वन क्रिया करने में जिसका योगदान होता है वो होता है सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु। जीवाणु विभिन्न किण्वन क्रियाओं में सहायक होते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की शराब, विस्की, रम, बियर आदि अल्कोहलिक पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, कल हम पढ़ेंगे इसके अगले पॉइंट। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।